अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हॉट एंड सॉस सूप। तो उसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिए हमने आधा किलो, हमने बोनलेस भी लिया और साथ हड्डी वाला भी लिया है। अगर आप हड्डी वाले चिकन से जखनी बनाएंगे ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सूप का। शिमला मिर्च लिए हमने कटी हुई 1/4 कप, बंद गोभी ली हमने कटी हुई 1/2 कप, गाजर लिए हमने बिल्कुल छोटी कटी हुई 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम 1/4 कप, 3 अदद अंडे लेंगे, अंडे की सिर्फ हम सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे, जर्दी नहीं। 1 कटी हुई हरी प्याज लेंगे यखनी के लिए, जब हम यखनी तैयार करेंगे तो इसमें हरी प्याज डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, नमक लिए हमने हसबे जायका, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक लिया है, और पानी लेंगे हम यखनी तैयार करने के लिए 8 कप, और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे शिंगरेला की सीजनिंग्स। शिंगरेला सीजनिंग्स में हम लेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, विनीगर 2 टेबल स्पून, शिंगरेला लेमन जूस 1 टेबल स्पून। इन शिंगरेला के सीजनिंग से हमारा सूप और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। यखनी तैयार करने के लिए एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे चिकन और इसमें डालेंगे हम ये हरी प्याज और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चिकन में भी जाए, और बाकी का थोड़ा सा हम बचा लेंगे, और इसमें जाएगा पानी। और इसमें जाएगा शिंगरेला का लेमन जूस और अब इसे हम इसी तरह पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये 8 कप हमने इसमें डाले हैं, जब ये रह जाएंगे 4-5 कप रह जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को ठंडा करके रेशा रेशा कर लेंगे। तो अब इसे हम कुक होने देंगे। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं हमारी यखनी को रेडी होने में, तो हम चिकन को निकाल लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे छान लेंगे और चिकन की हम रेशा रेशा कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन के हमने रेशा रेशा कर लिए, इसे हम साइड पे करेंगे और यखनी को छान लेंगे। तो इसको छान लिया तो इसे हम साइड पे करेंगे और यखनी को दोबारा से बर्तन में डाल देंगे। अब इसी बर्तन में हम यखनी डाल देंगे जिसे हमने छाना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे और हम इसमें डालेंगे गाजर कटी हुई, क्योंकि गाजर भी हमारी कुक हो जाए साथ में, और ये बंद गोभी और इसमें हम डाल देंगे नमक जो हमने बचा के रखा हुआ था और काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही हम इसमें चिकन भी डाल देंगे, और ज़्यादा चिकन हमारा गल जाए, अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो इसमें चिकन को डाल दें और भी ज़्यादा गल जाएगा। मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे बॉयल आने देंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे गाजर को कुक होने में, और अंडों की सफेदी और जर्दी को अलग अलग कर लेंगे। और दूसरे बाउल में हम जर्दी डाल देंगे, तो इसको जाया ना करें, आप अंडा बना के भी खा सकते हैं, और सबके कर लेंगे इसी तरह। तो इसको साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट तक हमने गाजर और बंद गोभी को पकाया, तो गाजर और बंद गोभी हमारी कुक हो चुकी है। ज़्यादा कुक नहीं करते गाजर को, वरना गाजर बिल्कुल मैश हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मुँह में आनी चाहिए। तो अब हम कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर में हम पानी मिक्स करेंगे तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, लम्ब्स नहीं होना चाहिए इसमें कोई। और अब हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, फ्लेम हमने हाई रखी हुई है, तो ये मिक्स हो चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे शिंगरेला का विनीगर 2 टेबल स्पून,
सोया सॉस और चिली सॉस। मिक्स करेंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर और भी डाल सकते हैं। तो मुझे इतना पसंद है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला। मिक्स करेंगे। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे अंडों की सफ़ेदी, थोड़ी थोड़ी करके इस तरह। उसको बॉयल आने देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब ये देखिए सूप हमारा रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर दी हमने। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो हमने सूप को सर्व कैसे करना है, तो ये हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसको हमने विनीगर में डाल के रखा हुआ, शिंगरेला का विनीगर। और ये है शिंगरेला की चिली सॉस और ये सोया सॉस। तो शिंगरेला की इन सीजनिंग से हमारा जो सूप है ना वो और भी ज़्यादा जायकेदार बन जाएगा। तो अब हम लेंगे सूप का प्याला और ये चम्मच। तो तैयार है हमारा विंटर के लिए बेस्ट चिकन एंड हॉट एंड सॉस सूप। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करो, क्योंकि ये सूप बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें सब्जियां भी हैं, चिकन भी है, अंडे भी हैं। तो आप सर्दियों में इसे ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर घर में सर्दियों में सूप बनता है। तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये टेस्टी सा चिकन एंड हॉट एंड सॉस सूप की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद अमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लाइफ विद अमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।